आइए हम बात करते हैं, इसके बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे औषधीय गुणों से ये परिपूर्ण है। आज एक बहुत बड़ी समस्या है, हम प्रतिदिन आपसे बात करते हैं यौन रोग के संदर्भ में। हाँ, यौन पिपासा, यौन ज़्यादा जुगुप्सा और यौन विकृतियाँ, उससे हमें बचना चाहिए। फिर भी जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, जिनके गृहस्थ आश्रम की जो स्थिति है ठीक से नहीं चल रही है, आपकी असावधानी की वजह से, आपके बहुत ही ज़्यादा खान पान आहार की विषमता की वजह से कोई बीमारी आपको हो चुकी है, तो जैसे नपुंसकता जैसी भयानक व्याधि को दूर करने के लिए भी ये जो सत्यानाशी है ये बहुत ही कारगर है। जैसे कि ये कांटे वाली है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसकी जो जड़ होती है यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। जिनको नपुंसकता है, जो बिल्कुल ही नपुंसक हो गए हैं, ऐसे ना मर्दों के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप शर्माए नहीं, सत्यानाशी जो है वो आपके नामर्दी का सत्यानाश कर सकती है। जिस रोग ने आपका सत्यानाश किया है, उस रोग का सत्यानाश करने के लिए ये सत्यानाशी आपके खेत और खलिहान में है। आप ढूंढ के लाइए इसको, इसके जड़ को निकालिए। जड़ को निकाल करके, हालांकि इसका यदि जड़ का पाउडर करके उसमें मिश्री मिला करके यदि आप ले लेते हैं तो भी लाभकारी है, परंतु ज़्यादा गुण पाने के लिए आपको थोड़ा सा और परिश्रम करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से सुन लें कि वैसे तो हम लोग भी यौवनामृत जैसी गोलियां बनाते हैं, हालांकि वो यौवन को बढ़ाने के लिए नहीं है, जिनका यौवन क्षीण हो गया है उसको यौवन को पुनः लाने के लिए वो है। जिनका गृहस्थ आश्रम नरक बन गया है उसके लिए, या जिनके स्पर्म काउंट वगैरह खत्म हो गए हैं जिसकी वजह से आप संतति लाभ से वंचित हैं, उन लोगों के लिए हम यौवनामृत वटी करके बनाते भी हैं, वह उसका भी सेवन कर सकते हैं। परंतु सावधान, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपके दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, आपकी समस्या के समाधान के लिए है। तो मैं बात कर रहा था इस नपुंसकता जैसी भयानक व्याधि को दूर करने के लिए भी ये जो सत्यानाशी है यह बहुत ही कारगर है। जिनको नपुंसकता है उनके लिए यह एक बहुत ही कारगर है। उसके लिए क्या करना है, सत्यानाशी की जड़ का आपको टुकड़े करना है और बड़का दूध को आपको इतना इकट्ठा करना है कि उस दूध को आप इसके जड़ में कम से कम डूब जाए, फिर आप धीरे धीरे खरल से उसकी करिए घुटाई। उसको हम आयुर्वेद में किसी औषधि के रस में डाल करके घोटने को बोलते हैं भावना देना। एक भावना आपको देना है बड़के दूध के, और दूसरी भावना आपको देनी है पान के पत्ते की रस की। तो पान के पत्तों का रस निकालिए, रस निकाल करके फिर उस सत्यानाशी के जड़ से खूब अच्छी तरह से रगड़ाई करिए। 3-4 घंटे आप इसकी घुटाई करें। घुटाई करने के बाद में आप चने के जितनी गोलियां या 1-1 ग्राम की मात्रा में प्रातः सायं दूध के साथ सेवन करते हैं तो यह अत्यंत धातु वृद्धि को करेगा और यौन रोगों को समाप्त करेगा। और जो नपुंसक लोग हैं, जिनकी यौन क्षमता बिल्कुल समाप्त हो गई है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही कारगर और बहुत ही गोपनीय यह प्रयोग मैंने आपको बताया। तो सत्यानाशी प्रायः सब जगह पर मिल जाता है, यह पार्कों में, खेत में, खाली जगह पर, सब जगह यह मिल जाता है। ध्यान रखना कहीं ज़्यादा ताकत के चक्कर में बहुत ज़्यादा सेवन भी ना करें। जितनी मात्रा जैसा प्रयोग हम बताएं उसके ऊपर आप ध्यान दे दें। यह बहुत ही सरल प्रयोग है।